Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. I am Manoj Thapliyal and today's topic again is One Way ANOVA. देखिए आज हम आपको वन वे अनोवा पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाते हैं. देखिए एक क्वेश्चन इज द थ्री सैम्पल्स बिलो हैव बिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद इक्वल वेरियंस. टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल of significance that the sample means are equal. There are three samples x1, x2, x3 and these are their sample values. x1 ki hai 8, 10, 7, 14, 11. x2 jo second sample hai uski sample values 7, 5, 10, 9, 9. x3 jo hai iski sample values hai 12, 9, 13, 12 and 14. Is question mein karna kya hai? We are given three samples aur hume ye nikalna hai ki unka sample mean equal hai ya nahi hai. और हमें ये भी दे रखा है ये जो टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे f की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दे रखे 2 एंड 12. दिस f वैल्यू इज 3.88. दिस इज एक्चुअली f टेबुलेटेड वैल्यू. यहाँ पे देखिए क्यों हम इसमें वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे. सिंस वी हैव थ्री सैम्पल्स एंड वी हैव टू कंपेयर देयर मीन वैल्यूज. अब कल तक हमने पिछले लेक्चर्स में जो बताया था अगर हमारे पास दो ही सैंपल हैं और उन दो सैंपल का मीन वैल्यूज़ को अगर हम पे कंपेयर करना पड़े तो वी यूज द टी टेस्ट. लेकिन जैसे ही हमारे पास दो से ज़्यादा सैंपल होते हैं 3, 5, 7, 8, 9, 10 और उनकी मीन वैल्यूज़ को अगर हमें कंपेयर करना पड़े कि देन वी अप्लाई ANOVA और उसमें भी वन वे ANOVA वहाँ जहाँ वन वे क्राइटेरिया होता है. तो ये देखिए लास्ट हमारे लेक्चर में हम आपको बता चुके कि वन वे ANOVA में क्या प्रोसीजर्स हमारे होते हैं व्हेन व्हेन एंड वेयर वी अप्लाई दिस वन वे ANOVA. अब देखिए इसमें होता क्या था. फर्स्ट वन वे ANOVA में सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस वही प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज योर नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस दिस इज एच नॉट तो हमेशा यही लेते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन वैल्यूज ऑफ द गिवन सैंपल्स. तो यहाँ यही लेके चलेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब द सैंपल मीन्स आर इक्वल. आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं. मीन्स अगर तीन सैंपल हैं तुम्हारे पास तो यू कैन राइट इट x1 bar इज इक्वल टू x2 bar इज इक्वल टू x3 bar. दिस इज योर नल हाइपोथेसिस. इसको ऐसे भी हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द सैंपल मीन्स आर इक्वल. सैंपल मीन्स आर इक्वल. कई लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिफरेंस among their mean values, among the sample mean values, sample mean values. ये भी लिखते हैं samples mean values. ये भी कम करते हैं लेकिन हमें सिंपल भाषा में लिखो सैंपल मीन आर इक्वल. दिस इज योर नल हाइपोथेसिस. तो सेकेंड होता है इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज यू नो जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिनोटेड बाई h1 जस्ट ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस एटलीस्ट टू मीन्स विल बी नॉट इक्वल. ये ले सकते हैं कि एटलीस्ट टू सैंपल मीन्स आर नॉट इक्वल. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h1 इसमें कि x1 bar इज नॉट इक्वल टू x2 bar इज नॉट इक्वल टू x3 bar. तो ये हमारा हाइपोथेसिस है. सबसे पहले ANOVA में बाकी टेस्ट की तरह ही हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं. नल हाइपोथेसिस तो हमारा ये हो गया कि देयर इज दो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द सैंपल मीन वैल्यूज. एक तो ये हो गया. ऑल्टरनेटिव उसका उल्टा हो गया. कम से कम दो सैंपल मीन जो है डिफर करेंगे. अब देखिए ये x1 था. ये हम समेशन x1 इसका निकाल लें टोटल वैल्यू. समेशन x2 निकाल दें सेकंड सैंपल का टोटल वैल्यू. समेशन x3 निकाल दें इनका टोटल वैल्यू सबका. तो इन सब का टोटल वैल्यू निकालने से पहले ये देखें कि हर एक में सैंपल वैल्यूज़ कितनी है. x1 में 1, 2, 3, 4, 5 n1 इज इक्वल टू 5. n1 मीन्स सैंपल वैल्यू.
sample values in first sample. इसी तरह से n2 ये हो जाएगा, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है. n2 इज अगेन 5 सैंपल वैल्यू इन सेकेंड सैंपल, सैंपल वैल्यूज इन सेकेंड सैंपल, ये हो गया. n3 तुम्हारा ये भी 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 है सैंपल वैल्यूज इन थर्ड सैंपल. ये तो हमारे n1 n2 n3 आ गया. सैंपल साइज भी हम इनको बोलते हैं. समेशन x1 आ जाए, समेशन x2 आ जाए, समेशन x3 आ जाए, और हम इसमें से इजीली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम निकाल सकते हैं. 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसको हम कैपिटल N से भी दिखा सकते हैं. सबसे पहला काम इसमें क्या करना, फिर से इसको बनाओ, लेआउट इसका फिर से बनाओ. लेआउट दिस इज अगेन राइट डाउन x1 x2 और दिस इज x3. x1 में जो वैल्यूज थी उनको लिख लेते हैं. दिस इज 8, 10, 7, 14, 11 और जो x2 हैं हमारे वो हैं x2 दिस इज 7, 5, 10, 9, 9 ये है. x3 है हमारा 12, 9, 13, 12, 9, 13, 12, 14 ये हो गया. ये समेशन x1 कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कितना है, समेशन x2 कैलकुलेट कर लेंगे और इसके साथ समेशन x3 कैलकुलेट कर लेंगे कितना कितना है. ये तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल वैल्यूज. और हमें अभी जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, हमें तीन तरह का जो टोटल वेरिएशन होता है इन वन वे अनोवा में, वो स्प्लिट होता है दो वेरिएशन में. एक तो वेरिएशन बिटवीन सैंपल और दूसरा होता है वेरिएशन विद इन सैंपल. विद इन सैंपल को हम एरर वेरियंस भी बोलते थे. तो यहाँ हमें वही कैलकुलेट करना है तीनों वेरियंसेस को. अब इसको निकालने के लिए मेरे को इनके स्क्वायर्ड वैल्यूज भी चाहिए. x1 का स्क्वायर कितना है, 8 का हो गया 64, 10 का हो गया 100, 7 का 49, 14 का 196, 11 का 121. देन आई विल कैलकुलेट देयर समेशन x1 स्क्वायर. x1 स्क्वायर इज 530. दिस इज 530. सिमिलरली x2 है, इसके हर एक वैल्यू का स्क्वायर्ड वैल्यू निकाला जाए. x2 स्क्वायर 7 का 49, 5 का 25, 10 का 100, 9 का 81, 9 का 81. अगेन इन सारे स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x2 को हम अगर समेशन करें, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज योर 336. दिस इज 336. और लास्ट में x3 जो थर्ड सैंपल था, इसके भी सारे स्क्वायर्ड वैल्यूज निकाली जाएं. x3 स्क्वायर 12 का हो गया 144, 9 का 81, 13 का 169, 12 का 144, 14 का 196. इसका भी टोटल स्क्वायर्ड वैल्यूज निकाली जाएं थर्ड सैंपल का सम, इनका टोटल समेशन, दिस इज 784. देखिए जैसे फर्स्ट सैंपल था उसको हमने x1 से दिखाया हुआ, सेकंड सैंपल दिखाया x2 से, थर्ड सैंपल हमने दिखाया x3 से. फर्स्ट सैंपल के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे 8, 10, 7, 14, 11 इसका टोटल किया, समीशन x1 दिस इज 50. और सारे इनके जितने भी सैंपल वैल्यूज थे फर्स्ट सैंपल में उनके स्क्वायर किया, x1 स्क्वायर, उनके सारा टोटल आया 530. और जो सेकंड सैंपल था x2 उसमें जो सैंपल वैल्यूज थे 7 + 5 + 10 + 9 + 9 दिस इज 40, समीशन x2 40. हर एक सैंपल वैल्यूज जो कि x2 के अंदर हैं उनका स्क्वायर किया, तो इनका 7 का 14, 5 का 25, 10 का 100, 9 का 81, 9 का 81 सारी स्क्वायर्ड वैल्यूज का समेशन आया समेशन x2 स्क्वायर 336. इसलिए इसी तरह से जो थर्ड सैंपल था उसका टोटल जो समेशन है 12 + 9 + 13 + 12 + 14 समेशन x3 दिस इज 60. इसी तरह से थर्ड सैंपल के हर एक सैंपल वैल्यूज की स्क्वायर किया,
उनका जो समीशन आया वो आया समीशन एक्स थ्री स्क्वायर 784। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारी कैलकुलेशन वर्क है। इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं, पहले तो नल हाइपोथेसिस सेट किया, सेकंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हम आपको बता रहे थे। ऑब्जर्वेशंस यानी पहले वाला सैंपल में थे N1 सैंपल पॉइंट, दूसरे वाले सैंपल में थे N2 सैंपल पॉइंट, तीसरे वाले सैंपल में थे N3 सैंपल पॉइंट। तो ये हो गया 5 + 5 + 5, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये 15 टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गए, या R × C करके भी निकाल सकते हैं। R तुम्हारे नंबर ऑफ रोज हो गए 5, कॉलम हो गया 3, तो 5 × 3 = 15, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तीसरा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल निकालने का तरीका है, फर्स्ट सैंपल के जो सैंपल वैल्यूज है उनका टोटल कितना है, सेकंड सैंपल के सैंपल वैल्यूज का कितना टोटल है, थर्ड सैंपल के सैंपल वैल्यूज का कितना टोटल है, यही तुम्हारा ग्रैंड टोटल है। समेशन X1 + X2 + X3, तो फर्स्ट सैंपल का जो टोटल है दिस इज 50 और सेकंड सैंपल का जो टोटल है दिस इज 40 और थर्ड सैंपल का टोटल है दिस इज 60, तो 60, 40, 100 और 150, ये तुम्हारा ग्रैंड टोटल हो गया। अब ये जो मेथड मैं आपको कराने जा रहा हूँ आगे, इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं एनोवा को सॉल्व करने का, और आपको यही मेथड अप्लाई करना है हर एक एनोवा के प्रॉब्लम में। थर्ड इज ग्रैंड टोटल, फोर्थ इज करेक्शन फैक्टर जो मैं कह रहा था, करेक्शन फैक्टर CF बोलते हैं इसको, करेक्शन फैक्टर को, इसका जो फॉर्मूला है दिस इज G² / N। G² तुम्हारा हो गया, G is 150 का होल स्क्वायर अपॉन 15, तो ये आता है इसको सॉल्व करके 1500 जी करेक्शन फैक्टर। फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस, सेकंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N, थर्ड इज ग्रैंड टोटल कैपिटल G, फोर्थ इज करेक्शन फैक्टर, फिफ्थ आ जाओ मेन जो वेरिएशंस है। फर्स्ट वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं SST मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। लास्ट वीडियो में हम सब बता चुके हैं हाउ वी कैलकुलेट SST, इट्स फॉर्मूला इज समेशन X1² + X2² + X3² - करेक्शन फैक्टर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समेशन X1² वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 530 प्लस समेशन X2² इज 336 और समेशन X3 का होल स्क्वायर ये है 784। ये तो हो गया तुम्हारे सम ऑफ स्क्वायर, माइनस करेक्शन फैक्टर हमारा है 1500। अब ये SST जो आया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1600 के आसपास, इसमें से 1500 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा SST आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, टोटल वेरिएशन की वैल्यू। सिक्स्थ पॉइंट SSC, ये है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, बिटवीन कॉलम बोल दो, क्योंकि मैंने यहाँ कॉलम के अलोंग इसको अरेंज किया है, बिटवीन कॉलम या बिटवीन सैंपल्स भी बोलते हैं इसको, कई जगह ट्रीटमेंट भी बोलते हैं ट्रीटमेंट्स। ये इसका फॉर्मूला है समेशन X1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस समेशन X2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन N2 प्लस समेशन X3 इट्स समेशन एक्चुअली समेशन X3 इट्स होल स्क्वायर अपॉन N3, ये जितना आएगा इसका टोटल माइनस करेक्शन फैक्टर। अब देखिए समेशन X1 50 का होल स्क्वायर अपॉन N1 तो N1 हमने बताया था, N1 भी फर्स्ट सैंपल साइज भी 5 है,
सेकंड सैंपल साइज भी 5 है, थर्ड सैंपल साइज भी 5 है। अब बहुत आसान है, इसको देखिए 50 का होल स्क्वायर अपॉन 5, दिस इज नेक्स्ट इज समीशन एक्स टू 40, इट्स होल स्क्वायर अपॉन ये भी 5 प्लस समीशन एक्स थ्री, दिस इज 60, इट्स होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस करेक्शन फैक्टर तो हम निकाल ही रखे 1500। ये है दिस इज एस एस सी, ये जो पूरा कैलकुलेट करके आता है आप कर सकते हैं इसको, 1540 आता है माइनस 1500 ये हो गया 40, ये एस एस सी हो गया एस एस सी। अब देखिए आगे, पिछला जो हमारा जो वीडियो है वन वे अनोवा पे बेस्ड, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस इन वन वे अनोवा, यू नो इन वन वे एनोवा आपको पता ही है कि जो टोटल होता है, टोटल वेरिएशन जिसको हम एसएसटी यहाँ बोलते हैं, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल विच इज डिनोटेड बाय एसएससी, या सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम यू कैन कॉल इट, और एक होता है एसएसई, एरर वेरिएंस बोलते हैं इसको, या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये देखिए दो चीज़ें आपको पता है, एस एस टी पता है, एस एस सी पता है, तो इस इक्वेशन से आप इजीली एस एस सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एस एस ई इज एस एस टी माइनस एस एस सी, तो एस एस टी आपका था 100 माइनस 40, तो हमारा एस एस ई जो आ गया दिस इज 60। तो अब हमें वन वे अनोवा में जो वेरिएशंस चाहिए थे वो सारे निकल गए। अब देखिए हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकल गया, एस एस टी इसे बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम निकल गया जिसको हम सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल बिटवीन ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, दिस इज एस एस सी। लास्ट में सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर हम टोटल वेरिएशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एस एस ई इज आवर 60। ये पूरा हमारा ये कैलकुलेशन वर्क इज ओवर। अब हम इन टोटल वेरिएशंस और इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनके बेसिस पे अब आप हम कैलकुलेट करेंगे एनोवा टेबल को। अब देखिए कैसे हम एनोवा टेबल अब फॉर्म करते हैं, तो ये मैं कहीं पे नोट कर लूँ, एस एस टी, एस एस टी इज योर 100, एस एस सी मुझे चाहिए इसको, एस एस सी इज योर 40 और एस एस ई इज योर 60। अब यहाँ देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे एनोवा टेबल में, नेक्स्ट वी विल फॉर्म एनोवा टेबल, एनोवा टेबल टेबल एनोवा टेबल में फर्स्ट कॉलम होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, सबको पता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन सेकंड है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम, थर्ड है एस एस सम ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम इज एम एस एस मीन सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसको, मीन सम ऑफ स्क्वायर यही एक्चुअल में वेरिएशन है, वेरिएशन। और नेक्स्ट इज एफ कैल, एफ रेशियो भी बोलते हैं एफ रेशियो, और लास्ट में एफ टैब, टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन वन वे, ये दिस इज योर एनोवा टेबल, वन वे अनोवा में जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा एक तो होगा बिटवीन सैंपल, बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम, और कॉलम यू कैन कॉल कॉलम्स, कॉलम्स एक तो ये होगा, दूसरा होगा विद इन सैंपल इन वन वे अनोवा, विद इन सैंपल और एरर वेरियंस भी बोलते हैं इसको, एरर वेरियंस। ये सब चीज़ें हम पिछले लास्ट वीडियो में अपना सारा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इस टेबल को फॉर्म करते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन।
ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल, आप देख रहे थे कि तीन सैंपल थे एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, तीन कॉलम थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन होता है, एन माइनस वन, यू नो। तो इसमें हमें कॉलम कितने थे? वन टू थ्री, इसको सी से दिखा सकते हैं। इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सी माइनस वन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम्स वेर थ्री, तो थ्री माइनस वन दिस इज टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल का सम ऑफ स्क्वायर हम हमारा यहाँ था बिटवीन सैंपल में एस एस सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है अभी, दिस इज 40, ये भी हो गया। अब आ जाओ विद इन सैंपल, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है दिस इज एन माइनस सी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दिस इज एन माइनस सी, क्योंकि जो टोटल होता है टोटल वेरिएशन ये होता है एन माइनस वन, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है, टोटल ऑब्जर्वेशन एन है ना एन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा एन माइनस वन, यहाँ कैपिटल एन माइनस वन हो गया। एन माइनस वन में से सी माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विद इन सैंपल आ जाएगा एरर वेरियंस। कैपिटल एन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन थे 15, सी था तुम्हारा 3, तो जो विद इन सैंपल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इन दिस केस दिस इज विल बी 12, ये भी क्लियर हो गया। अब विद इन सैंपल में जो सम ऑफ स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं एस एस ई, एस एस ई भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है दिस इज 60, और जो टोटल का है एस एस टी, इन दोनों को जोड़ो तो यही मिलेगा 100, कोई उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल का जो वेरिएशन है किसके बराबर होता है? वेरिएशन बिटवीन सैंपल प्लस वेरिएशन विद इन सैंपल। अब आ जाओ मीन सम ऑफ स्क्वायर में, जो बिटवीन सैंपल है उसका जो मीन सम ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा एम एस सी, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, क्योंकि जो मैंने सैंपल्स हैं उनको कॉलम के अलोंग सेट किया हुआ है। तो एम एस सी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जो सम ऑफ स्क्वायर है बिटवीन सैंपल दैट इज एस एस सी अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है तुम्हारा 2, तो एस एस सी हो है हमारा 40, और यहाँ आया 3 माइनस 1 2, तो 40 अपॉन 2 दिस इज 20 हो गया एम एस सी। अब आ जाओ तुम मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल के, तो यहाँ इसको बोलते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं एरर का एम एस ई, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इसका फॉर्मूला होता है जो सम ऑफ स्क्वायर है इसमें इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो 60, और एन माइनस सी 15 माइनस 3 वो हमने निकाल ही रखा है, 15 माइनस 3 60 अपॉन 15 माइनस 3 12, तो दिस इज 5, एम एस सी हो गया तुम्हारा 5 हो गया। अब देखिए एफ रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एनोवा में, जो एफ रेशियो होता है एफ कैल हम कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स या बिटवीन सैंपल और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर एम एस ई, इनके रेशियो को हम एफ रेशियो ही बोलते हैं, जो भी बड़ा होगा एम एस सी एम एस ई में से उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ एम एस सी हमारा, इसको देखिए एम एस सी की वैल्यू है 20, एम एस ई एरर का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर था दिस इज 5, तो यहाँ हमारा एफ कैल इसी को बोलते हैं दिस इज 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी टेबुलेटेड वैल्यू पे। अब देखिए इसका एक तो हमें कही रखा क्वेश्चन में कि 5% पे चेक करो, एक तो ये हो गया, कौन सी दो डिग्री फ्रीडम हम चेक करेंगे, एक तो बिटवीन सैंपल जो कि दो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका, और एक है विद इन सैंपल या एरर वेरियंस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है, इसको लेते हैं। तो एक हो गया 2, एक हो गया 12। अब वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एट दिस टू डिफरेंट डिग्री 2 and 12 दिस इज 3.88, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही तुम्हारी टेबुलेटेड वैल्यू है एफ टैब। ओके, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जैसे सारे टेस्ट में करते थे वैसे अनोवा में करना है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। लास्ट में ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ और जो टेबुलेटेड वैल्यू एफ है इनको कंपेयर करते हैं।
अब देखिए इसको लास्ट में जो स्टेप होगा, दिस डिसीजन, या रिजल्ट भी कह सकते हैं इसको, रिजल्ट। इसमें ये है, दोनों वैल्यूज जो एफ की हैं उनको कंपेयर करिए, एफ कैल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, ये तो आई तुम्हारी 4, और टेबुलेटेड वैल्यू जो तुम्हारी आई 2 डिग्री और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इस प्रॉब्लम में, वो है 3.88। इनको कंपेयर करो, 4 ओबीबीएस है कि 3.88 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ कैल इज ग्रेटर देन एफ टैब। व्हाट डज इट मीन? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर कम या उसके बराबर आती है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो हियर इन दिस केस द नल हाइपोथेसिस जो हमारी थी कि ऑल सैंपल मीन्स आर इक्वल, दैट इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज रिजेक्टेड मीन्स ऑल द सैंपल मीन्स आर नॉट इक्वल। यही हम चेक करते हैं अनुभव में कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग और बताते हैं, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन लार्ज हों, बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस हों जहाँ हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ हम कोडिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग ऑफ डाटा क्या मतलब होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिविजन ऑफ गिवन सैम्पल ऑब्जर्वेशंस बाई ए कॉन्स्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग ऑफ डाटा। और डाटा का जो कोडिंग करने से हमारे जो वेरियंस रेशियो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही आंसर होगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन का था। तो वन वे अनोवा या टू वे अनोवा या जितने भी हमारे डिजाइंस आते हैं, इसमें कोडिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इससे हमारी जो कैलकुलेशंस है दैट बिकम्स ईजियर, ईजी हो जाता है हमें कैलकुलेट करना, छोटी छोटी वैल्यूज मिलती हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये है जैसे क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फॉलोइंग 3 सैम्पल्स। ये 3 सैम्पल दिए हुए हमें, ए बी सी। ए की सैम्पल वैल्यूज हैं 10, 12, 8, 15, 13। इसमें जो सैम्पल साइज है हमारा, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5। N1 इज इक्वल टू जो फर्स्ट सैम्पल साइज है, दिस इज 5। इस तरह से बी पे आ जाओ, जो सेकेंड सैम्पल 14, 16, 20, 18, 15, इसमें भी N2 सेकेंड सैम्पल साइज, इसमें भी 5। थर्ड सैम्पल आ जाओ सी, इसमें 12, 16, 18, 20, चार ही है सैम्पल साइज। N3 इज सैम्पल साइज इज 4, ये तो कन्फर्म हो गया N1, N2, N3 कितने। इससे हम जो हमारा जो N है कैपिटल N विच इज़ कॉल्ड टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये हम निकाल सकते हैं N1, N2, N3। अब देखिए, अब कोडिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ मैं, उस पे मेन आते हैं। ये वैल्यूज हैं सारी हमारी 10, 12, 18, 15 और 14, 16, 20, 18। सबसे छोटी वैल्यू है 10 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी जो नज़र आ रही है वो 22 है। बीच का कोई भी नंबर उठा दिया मैंने, ले लिया 15। इस 15 के अबाउट ही इन सारे सैम्पल वैल्यूज़ का डेविएशन लूँगा। इसके बाद देखे कैसे करूँगा मैं इसको, डेविएशन फ्रॉम नंबर 15 ले लिया। देखो इसको ऐसा बना दो, x1 हो गया, x1 ले लो उसको, a की हर एक वैल्यू से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 जो था b की हर एक वैल्यू से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, x3 जो था c की हर एक वैल्यू से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी को कोडिंग बोलते हैं। डेविएशन मतलब डिफरेंस, नहीं आता समझ में, डिफरेंस। अब देखो 15 से डेविएशन, हर एक का डिफरेंस चेक करें, 10 माइनस 15, दिस इज -5, 12 माइनस 15, -3, 8 माइनस 15, -7, 15 माइनस 15, दिस इज 0, 13 माइनस 15, दिस इज -2। ये हो गया
फर्स्ट सैंपल का डेविएशन फ्रॉम 15, सेकेंड सैंपल का डेविएशन ले लो फ्रॉम 15, 14 माइनस 15 माइनस 1, 16 माइनस 15 दिस इज प्लस 1, 20 माइनस 15 दिस इज 5, और 18 माइनस 15 दिस इज 3, और 15 माइनस 15 ये 0। नेक्स्ट 12, थर्ड सैंपल के ले लो डेविएशन 15 से, 12 माइनस 15 दिस इज माइनस 3, 16 माइनस 15 दिस इज 1, 18 माइनस 15 दिस इज 3, और 22 माइनस 15 ये हो गया 7। तो कोडिंग के बाद मेरे नए डेटा ये निकल के आए। अब मैं सारी कैलकुलेशन इनके बेस पे करूँगा, इसके बेस पे नहीं, क्योंकि अब डाटा देखो बहुत छोटे छोटे आ गए, 1, 2, 3 माइनस 7, इस तरह से छोटे छोटे नंबर्स में आ गए, इसको कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब देखिए इसके बेसिस पे अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्दर कैलकुलेशन। यहाँ देखिए हर एक, ये तो हमारा अब इससे कोई मतलब नहीं रहा पुराने डाटा से, अगर इसके इसके बेसिस पे निकालूंगा एफ वेरियंस रेशियो वो उतना ही होगा जितना इसके नए जो कोडिंग के बाद मेरे नए डाटा आए इनके बेसिस पे। अब देखिए इसके बाद मैं शुरू करता हूँ इनकी कैलकुलेशंस। ये मैंने एक्स वन ले लिया, फिर से मैं इसका स्क्वायर्ड वैल्यू ले लूँगा, एक्स टू ले लिया, इनकी स्क्वायर्ड वैल्यू ले ली क्योंकि मुझे टोटल सम ऑफ स्क्वायर वगैरह में SST SSC में काम आती हैं सारी चीज़ें, इसलिए मुझे निकालनी पड़ती हैं। X3 ले लिया और इसका X3 का होल स्क्वायर, ये जो नया डाटा मेरे पे बना, -5 -3 -7 0 और दिस इज -2, ये समेशन X1 आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेट कर लूँगा इसको, ये हो जाएगा 5, 3, 8, 7, 15, 2, 17 दिस इज -17। X1 स्क्वायर करूँगा तो ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 49 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो आई विल गेट समेशन X1 स्क्वायर। अभी करते हैं इसको, X2 देखिए, X2 -1 दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 3 और दिस इज 0। वॉट वॉज X3? -3, 1, 3 और ये 7। इनका स्क्वायर्ड वैल्यूज निकालेंगे तो -1 का 1, +1 का 1, दिस इज 25, दिस इज 9, दिस इज 0। इनका निकालूंगा X3 का हर एक का स्क्वायर वैल्यू, 9, 1, 9, 49। अब ये सारे वैल्यूज मुझे चाहिए कैलकुलेशन में, दिस इज समेशन X2, समेशन X2 इट्स होल स्क्वायर, दिस इज समेशन X3, दिस इज समेशन X3 स्क्वायर्ड। तो समेशन X2 विल बी कैंसिल, ये 8 हो गया, -1 +1 कैंसिल, यहाँ ये -3 + 3 कैंसिल, 7 + 1 ये भी 8 हो गया। अब इनका स्क्वायर्ड वैल्यूज हो गया 5, 9, 14, 9, 23, 27, 2, 4, 6, 1, 8, 87। यहाँ ये हो गया समेशन X2 स्क्वायर 36, समेशन X3 हो गया 49, 150, 50 + 18, 68। ये सारी वैल्यूज मेरी निकल गई। अब देखिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यू कैन फॉर्म नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H0। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स, अब ये देखिए यही लूंगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन, यही लिखूंगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द सैम्पल मीन्स, सैम्पल मीन्स इसको दूसरे
शब्दों में आप यूं भी लिख सकते हैं एच नॉट कि ऑल सैम्पल मीन्स आर इक्वल, यानी एक्स वन बार इक्वल टू एक्स टू बार इक्वल टू एक्स थ्री बार, ये भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट ऑपोजिट ऑफ नल, एटलीस्ट टू मीन विल डिफर, एच वन विल बी एटलीस्ट टू सैंपल मीन, सैंपल मीन्स विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, या हम कह सकते हैं कि एच वन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, एक्स वन बार इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बार, हमें नहीं पता कौन से दो हैं वो, तो हमने इस तरह से ले लिया एक्स थ्री बार। ये तो हो गया नल हाइपोथेसिस। अब मैं पूरा का पूरा फोकस करूँगा ये वेरिएशंस पे, अलग अलग वेरिएशन। टोटल वेरिएशन क्या था, वेरिएशन बिटवीन सैंपल क्या था, और वेरिएशन विद इन सैंपल क्या था। अब देखिए आप, सबसे पहले तो ये, नाउ आई विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैपिटल एन क्या होगा, 1 2 3 4 5, n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 तुम्हारा 5, n2 भी 5, अब n3 देखिए 1 2 3 4, तो 5 प्लस 5 प्लस 4, दिस इज 14, ये कैपिटल N हो गया आपका। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, दैट इज़ योर ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल डिनोटेड बाय कैपिटल G। एज यू नो दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट सैंपल, समेशन ऑफ सेकेंड सैंपल, समेशन ऑफ थर्ड सैंपल। समेशन ऑफ फर्स्ट सैंपल वॉज -17, प्लस समेशन ऑफ सेकेंड सैंपल वॉज 8, प्लस समेशन ऑफ थर्ड सैंपल वॉज 8, तो -17 प्लस 16, दिस इज -1। ये ग्रैंड टोटल -1 आ गया, इस केस में कितनी छोटी वैल्यू आई बताओ। ये ग्रैंड टोटल भी निपटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बार बार आएगा, ये जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आपको यही मेथड फॉलो करना है। करेक्शन फैक्टर सी एफ, इसका फॉर्मूला है जी स्क्वायर अपॉन एन, जी स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर, एन 14, तो 1 अपॉन 14, दिस इज 0.07, दिस इज एक्चुअली 0.07, दिस इज योर करेक्शन फैक्टर। फोर्थ मैं निकालूंगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, SST जिसे बोलते थे, SST, इसका फॉर्मूला था समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर। इसको पूरे को टोटल करो और इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करो। समेशन x1 स्क्वायर 87, समेशन x2 स्क्वायर 36 और समेशन x3 स्क्वायर 68, ये आ जाए जितना करेक्शन फैक्टर हमने अभी निकाला आपके सामने। करेक्शन फैक्टर इज 0.07, करेक्शन फैक्टर यही तो है, करेक्शन फैक्टर सी एफ जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 191 माइनस 0.07, तो ये आ गया 190.93। नेक्स्ट हम जो निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, या बिटवीन कॉलम आप कह सकते हैं, इसीलिए इसको SSC बोलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम्स या सैंपल या ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है यह है समेशन x1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन x2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n2 समेशन x3 इट्स होल स्क्वायर अपॉन n3। सेम फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इस पूरे का टोटल और जितना हमारा करेक्शन फैक्टर आ रहा। ये देखिए समेशन x1 स्क्वायर कितना था, -17 का होल स्क्वायर अपॉन n1 कितना था, 5, प्लस समेशन x2 8 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 5,
और जो समेशन एक्स थ्री दिस इज अगेन 8, इट्स होल स्क्वायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन थर्ड सैंपल दैट वाज 4/4. ये जितना आएगा माइनस करेक्शन फैक्टर, आवर करेक्शन फैक्टर वाज 0.07 और ये आया 17 का 289/5, 64/5 प्लस 64/4 माइनस 0.07, दिस इज 57.8. इसका करा हमने 12.8 प्लस 16 और माइनस 0.07, 86.6 माइनस 0.07, 86.53, दिस इज SSC. ये भी हो गया. दो वेरिएशन हमने निकाल दिए, SST और SSC. और ये सिक्स्थ बिल्कुल आसान. इन वन वे अनोवा योर टोटल वेरिएशन SST इज इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन सैंपल प्लस वेरिएशन विद इन सैंपल. तो इज फ्रॉम दिस इक्वेशन यू नो SST एंड SSE, यू कैन कैलकुलेट SSE. SSE इज SST माइनस SSE. SST इज योर 190.93 माइनस 86.53. तो योर SSE कम्स आउट टू बी 104.4. तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे एनोवा के वन वे एनोवा के दौरान हमने तीनों वेरिएशंस अब तक कैलकुलेट कर चुके हैं आपके SST, SSE और SSE. मैं इसको कहीं पे नोट कर लूँ क्योंकि मुझे टेबल फॉर्म करना है. SST आपका है 190.93, SSE आपका है 86.53 और SSE जो अभी अभी हम कैलकुलेट किए 104.4. अब मुझे ये चाहिए, अब जाके मैं टेबल फॉर्म करूँगा. वन वे एनोवा टेबल यू कैन कॉल इट, एनोवा टेबल, एनोवा टेबल. फिर वही एनोवा टेबल में जैसे आपको बताया हम, वही सोर्स ऑफ वेरिएशन SB. अब तो आपको पता ही होगा SB क्या होता है. नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन सम ऑफ स्क्वायर, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर MSS, देन F रेशियो या वेरियंस रेशियो यू कैन कॉल, और लास्ट F टैब, टेबुलेटेड वैल्यू. सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास वन वे में वही होता है. फर्स्ट इज बिटवीन सैंपल, बिटवीन सैंपल या बिटवीन कॉलम भी कह सकते हैं. दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है विद इन सैंपल, विद इन सैंपल या इसको एरर वेरियंस भी बोलते हैं, एरर वेरियंस. आप लोग जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, हमारा सीधा जो मैंने पिछला वीडियो बनाया अपलोड किया हुआ है उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है माइन्यूटली. वहाँ जस्ट गो टू दैट वीडियो. और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि तुम्हें पता ही है यहाँ तीन सैंपल थे X1, X2, X3, तीन कॉलम हो गया C1, C2, C3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो C-1. यहाँ पे इसका टोटल भी लिख लीजिए. टोटल, टोटल में क्योंकि ऑब्जर्वेशंस मैंने n ले रखे तो यहाँ n-1 हो जाएगा n. और जो n-1 में से सैंपल का बिटवीन सैंपल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो मैं आई विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विद इन सैंपल n-c. कोई मुश्किल काम थोड़ी है. टोटल में से बिटवीन सैंपल घटाते हैं तभी तो हमारा विद इन सैंपल आता है. यहाँ हम बोलते हैं SSE को. विद इन सैंपल में जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है SSE. वो दोनों चीज़ें हमने निकाल रखी. SSE इज 86.53 और जो SSE है दिस इज 104.4. ये भी हो गया. टोटल का हमने ये निकाल ही रखा है. इन दोनों को टोटल करो तो टोटल का SST आ जाता है. यहाँ पे SST इन दोनों को जोड़ो तो 190.93 हो जाता है. कहने का मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट दिस. नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम,
नंबर ऑफ कॉलम्स में बता रहा था, तीन सैंपल थे x1 x2 x3, तो कॉलम तीन हो गए, तो C3 माइनस वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया इसका बिटवीन सैंपल का। विद इन सैंपल का टोटल n थे हमारे 14, तो 14 माइनस 3 ये कितना हो गया, 11, यही हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2 प्लस n3 किया था, नहीं किया था, 5 प्लस 5 प्लस 4 14, वही तो है, 11 हो गया। अब देखिए आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया, SS निकल गया, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए जो बिटवीन सैंपल होता है उसको बोलते हैं MSC बोलते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स। ये होता है इसका जो सम ऑफ स्क्वायर था SSC अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ सी माइनस वन हो गया, तो ये निकाल ही रखे हमने, 86.53 अपॉन सी माइनस वन, ये निकल ही रखा है 2, ये कैलकुलेट कर सकते हैं 43.26 के आसपास ये वैल्यू होगी। अब ये एरर का निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं MSE। इसका फॉर्मूला होता है जो इसका सम ऑफ स्क्वायर था SSE, इसमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो n माइनस सी, ये निकाल ही रखे हम, 104.4 अपॉन डिग्री, n माइनस सी है 11, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस इज 9.49, ये हो गया। अब एफ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता ही है MSC और MSE में जो बड़ा होगा उसको न्यूमरेटर में रखो, छोटे वाले को डिनोमिनेटर में रखो, तो एफ जो वैल्यू आएगी हमारी एफ रेशियो, ये 43.26 है, ये 9.43 है, तो ये हो जाएगा MSE अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इनका रेशियो, उनका कंपैरिजन करते हैं बिटवीन कॉलम का एरर वेरियंस, तो ये जो वैल्यूज आई हम पे, यहाँ हम कैलकुलेट इसको ऐसे कर सकते हैं, MSE इज 43.26 अपॉन दिस इज 9.43, तो दिस एफ वैल्यू यही तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू है अराउंड 4.5, ये हो गया, ये भी निकल गया। अब एफ टैब की बात करते हैं, एफ दिया हुआ है हमारे पास 5%, और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं बिटवीन सैंपल, ये 2, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया न्यूमरेटर का, जो डिनोमिनेटर का है उसका बाद में लिखते हैं, विद इन सैंपल का या एरर वेरियंस का, ये 11, ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिस वॉज 3.98, दिस इज एक्चुअली योर एफ टैब। के बाद क्या करते हैं कि इनको हम कंपैरिजन करते हैं इन एफ टैब और एफ कैल को, ये डिसीजन लास्ट में, डिसीजन या रिजल्ट या इंटरप्रटेशन कुछ भी बोलो। एफ कैल यहाँ पे हमारा दिस इज 4.5, एफ टैब हमारा 3.98, तो ये साफ सी बात है कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से फिर ज़्यादा आ गई, फिर से ज़्यादा है इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स ऐसा लिखो, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर ये कम या उससे बराबर आती तो एक्सेप्ट हो जाता, यहाँ ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ टैब, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इट मीन्स यू कैन कॉल इट लाइक दिस, द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यू, बिटवीन द सैम्पल वैल्यू, सैम्पल मीन वैल्यूज यू कैन कॉल इट इज सिग्निफिकेंट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा वन वे एनोवा का कैलकुलेशन हो गया बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर कोशिश करो कि कोडिंग मेथड ही लगाओ, उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। एफ रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ वेरियंस पे, वेरियंस रेशियो चाहे ओरिजिनल डाटा से निकालो चाहे तुम कोडिंग करने के बाद निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटर है कि हर एक क्वेश्चन को जहाँ वैल्यूज तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस के लार्ज हों कोडिंग सिस्टम को अप्लाई करो। तो विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर, एंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी, थैंक यू।